नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है टीवी न्यूज में। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब 8 से 9 महीने का समय बचा हुआ है और कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं बीजेपी भी तीसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए एनडीए को कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। आज यानी कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की अहम बैठक है, तो एनडीए की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद शामिल हो रही है। यह पहला मौका है जब सोनिया गांधी इस तरह कवायद में हिस्सा ले रही हैं और इसे लीड करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। हालांकि इसका सीधा फायदा विपक्षी एकता को भी मिल सकता है, क्योंकि शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेता राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने में खुद को असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस साल 2004 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। दरअसल साल 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का मुकाबला करने के लिए समान विचारधारा वाले 6 दलों के साथ गठबंधन किया था।